डियर स्टूडेंट, निर्भय गुनगुन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं बीसीसीएलई मैकेनिक्स, इसमें टॉपिक चल रहा है हम लोग का वर्क एनर्जी पावर, और ऑलरेडी इस पे 3-4 क्लास हो चुका है। उसको नहीं देखे तो सबको वीडियो देखिए और सीरियल वाइज से वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे आज इंटीग्रेशन से आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि जो आपका जो एली एग्जाम में आता है मेन यही आता है। ठीक है, तो देखिए आज बात करेंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं निर्भय गुनगुन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लिए हैं वो आगे शेयर भी कीजिए, क्योंकि उसका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई बॉडी जहाँ पे स्टेशनरी कोई सरफेस था उस पर कोई बॉडी रखा हुआ था, यहाँ से फोर्स लगा रहे थे तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी 5 न्यूटन अगर पांच मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 जूल हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, ये सब सिंपल था। ठीक है, तो आप जो हम लोग देखने वाले हैं आज का थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है और आपके एग्जाम में यही आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को लिए हैं, वाई एक्सिस पे क्या लिए हैं, फोर्स को, जो कि वेरिएबल फोर्स होगा। ठीक है, कभी 5 न्यूटन, कभी 7 न्यूटन, 8 न्यूटन जैसा होगा उस तरह से, यानी ये जो है एक तरह का कह सकते हैं कि स्पेस पे डिनोट डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी इसपे एक्स वाई आ सकता है, एक्स जेड आ सकता है, अभी दो यहाँ पे 2D लेके चल रहे हैं तो एक्स वाई आएगा, हो सकता है 3D का स्पेस में अगर लाई करेगा फोर्स तो वहां पे 3D आएगा, एक्स वाई जेड आपका तीनों लाई करेगा, तो ये पूरा वेरिएबल होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, और इस तरह का आपका मान लेते हैं कि कोई कर्व इस तरह से है, तो इसके जो एयर वर्कडन बताएगा, ठीक है, ये जो एरिया बताएगा वो जो है वर्कडन बताएगा। ठीक है, आपकी कैसे बताएगा, क्या करेंगे, सारा कुछ यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल था, ठीक है, उस पर फोर्स लगा कहीं स्पेस में होगा, ठीक है, उस पर कोई फोर्स लगा तो उसका जो मूव पाथ करने का मूव था, मूव करने का जो पाथ था वो इस तरह से कुछ था। ठीक है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से ऐसे था, आपको इसका जो है दिया रहेगा। ठीक है, वहां इक्वेशन तो आप सॉल्व करेंगे, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप थोड़ा ये नहीं। यहाँ पे देखिए, जिस पॉइंट पहले वन पोजिशन पे होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स वन अभी है, ठीक है, और यहां तक ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे मूव करते गया, और यहाँ पे इसका एक्स टू पोजिशन, एक्स वन से एक्स टू पे आ गया। ठीक है, और कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा करके आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं कोई स्ट्रिप काट लिए, ठीक है, स्ट्रिप काट लिए जो कि एक्स एक्सिस पे काट रहे हैं, तो इसको डीएक्स लेंगे। ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप काट रहे हैं तो डीएक्स, और ये कितना है, हाइट एफ है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या करेंगे, तो ये जो एरिया बताएगा, ठीक है, पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के बाद ये क्या बताएगा, वर्कडन बताएगा कि इस पोर्शन पे कितना वर्कडन काम किया है। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे एक्स वन से एक्स टू तक, तो पूरा मेरा वर्कडन निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, आप लोग ये सब 12th किए होंगे तो इस तरह का जो है बहुत सारा प्रूफ किए होंगे फॉर्मूला वगैरह, कि इस तरह का स्ट्रिप काट करके हम लोग जो है सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताइए, आप लोग बताइए कि एरिया इसका क्या होगा, तो इसका देख रहे हैं कि थिकनेस डीएक्स है और ये इसका हाइट कितना है, एफ है। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एफ इंटू डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इंटू डीएक्स जो आया, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप आया। ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रिप आया यानी वर्कडन आया इस स्ट्रिप पे। ठीक है, हम चाहते हैं कि पूरा वर्कडन निकले, कि मेरा जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव किया पूरा हम वर्कडन निकालें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम टोटल एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो एफ फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है मेरा, अभी डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स वन से एक्स टू तक। ठीक है, अभी देखिए थ्योरी के पीछे आप ज्यादा नहीं मत जाइए, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के पीछे जाइए। ठीक है, आपको बार बार बोलता हूँ कि बीसीसीएल एग्जाम में आपको थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, थ्योरी आता है बहुत कम आता है, और इस तरह का थ्योरी नहीं पूछता है वहां पे, और अगर थ्योरी आता है तो डायरेक्ट एक नंबरिया टाइप का क्वेश्चन आएगा एकदम। ठीक है, पूछो और जवाब दो वाला क्वेश्चन आएगा, और इस तरह का नहीं आएगा। और जब भी आता है वहां क्वेश्चन, तो आपका न्यूमेरिकल बेस रहेगा सबसे ज्यादा, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन रहता है तो 50 क्वेश्चन में 40 से प्लस क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन जो है आपका जो है सब के सब न्यूमेरिकल ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी के प्रति उतना मत जाइए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे जिसके प्रति जाना है, देखिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ कि इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया है तो क्यों आया, इसके पीछे कोई रीजन होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट चाहते हैं तो वर्कडन एक्स वन से एक्स टू एफ इंटू डी एक्स लिखा देते,
तो ये फायदा कुछ होता नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे आ गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा प्रूव करके बताएं, ठीक है। आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स, तो यहाँ से टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा बॉडी कहाँ से किया, कहाँ तक किया है, तो यहाँ था, ठीक है। ई एक्स वन था, एक्स वन से कहाँ पे गया, एक्स टू पे गया। आप यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे इसको एक्स वन से एक्स टू तक एफ इंटू डी एक्स, तो यहाँ से टोटल एरिया निकल जाएगा इसका, ठीक है। ये एरिया, तो ये जो एरिया निकला यही क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर एक्स वन से एक्स टू एफ इंटू डी एक्स, इस फॉर्मूला का आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से थ्योरी नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। एल एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा। अब यहाँ से देखिए वर्क डन तो क्या हुआ, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ठीक है। एफ एक्स, एफ और एक्स एक्स के बीच का जो ग्राफ हुआ ऑन द किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क डन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरह का आपके, पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो कि आप लोग 9th में भी सॉल्व किए होंगे। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि कभी कभी बीसीसीएल एग्जाम में जो है इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है। आप प्रीवियस ईयर जाएंगे 14-13 का उठाइएगा तो आप लोग देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है इधर, जो कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखे हैं मीटर में है और फोर्स लगा रहे हैं हम न्यूटन में, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसका कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है। अब यहाँ तक हम दे दिए आपको कि यहाँ से यहाँ तक जो है 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है 10 है, ठीक है। अभी न्यूटन में है तो 10 न्यूटन होगा इधर। आप यहाँ से आप पूछेंगे कि एरिया इसको फाइंड कर, वर्क डन बताइए कि इसका वर्क डन क्या होगा, तो आप सिंपली बस वर्क डन पूछेंगे, बस सिंपली आप क्या कीजिए, बस वो एरिया निकालिए बस, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिए, चुपके से यहाँ से इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या होगा, एक तरह का देख रहे हैं ये आयत टाइप का बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है यहाँ पे 10 और चौड़ाई 5, तो लंबाई गुना चौड़ाई 10। पहले तो समझ गए कि वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, बस इसका हमको एरिया निकालना है। तो पहले हम इतना का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, इतना का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। जो टोटल एरिया आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका एरिया पहले निकालिए, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 10 × 5 तो 50 हो गया, प्लस इसका एरिया आप कैसे निकलेगा, ठीक है। आप ट्रायंगल का जानते हैं कि एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर था लेकिन यहाँ से कितना है 5 मीटर, ठीक है, ये 5 हो गया। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है, बेस कितना है 5, आई इंटू हाइट कितना है 10, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 × 5 × 10, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5×25 और 50 कितना हो गया 75, तो यहाँ से आपका ये जो निकला ये 75 जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह का जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आप लोग सॉल्व किए होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा हुआ है, बस आपको वहां पे खाली डिजिट चेंज होगा। मेरे कॉपी से एकदम डायरेक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया है बीसीसीएलई 2020 में, ठीक है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखेगा, ऐसे वो सब जो आप लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, बीसीसीएलई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसे कि आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा, आप जैसे वहां एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे क्वेश्चन मार्कशीट सारा कुछ ले लेता है, ठीक है। तो वो जो देख रहे हैं वहां पे, ठीक है, जो भी पब्लिकेशन वाला छापा है उसको तो पूरा अप्रोक्सीमेट लेके छापा है, ठीक है। जैसे कि आप 50 लड़का दे रहा है तो 50 लड़का से पूछा कि किस तरह का क्वेश्चन आया होगा, तो उस बेसिस पे वो बताता है, उसके अनुसार वो लिख देता है, ठीक है। आप चाहिएगा तो 100% क्वेश्चन सही, तो 100% क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। फिर भी देखिएगा तो आपको हो सकता है मिल जाएगा, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, वहां पे खाली बस डिजिट चेंज था, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 5, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना एक्यूरेट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप कॉपी से लड़ेगा, ठीक है। वहां डिजिट चेंज रहेगा तो आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, एफ एफ वेक्टर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कोई स्पेस में लाई कर रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए एफ फोर्स है x² i कैप + 2 y j कैप एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 1, 2, 2, 3, 4, फाइंड द वर्क डन, ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ये कोई बॉडी है जिसपे इस तरह का फोर्स लग रहा है, 2D फोर्स लग रहा है, जो कि स्पेस में कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। 2D मतलब एक्स वाई में लाई कर रहा है, जबकि एक्स वाई को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
इसका इस तरह आपको क्वेश्चन आएगा एली एग्जाम में, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वहां बस डिजिट चेंज रहेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप समझ के सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित आपसे वहां से सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन का जानते हैं कि चार नंबर मिलता है, चार नंबर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से यहाँ से कितना रैंक आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको कितना नंबर, आप चार नंबर उठाइएगा, सोचिए आपका रैंक कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा, ठीक है। यही सब यहाँ पे क्वेश्चन, अगर बहुत सारा स्टूडेंट जो बेसिक करके जाएगा उससे ये सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये तो दिया हुआ है, अब बस कुछ नहीं आपको ये फॉर्मूला बताया है, ठीक है, एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, जहां से जहां तक जाएगा उसको वहां से वहां तक लिमिट लेकर के इंटीग्रेट करना है बस। तो पहले तो देखिए, इससे थोड़ा सा पहले बेसिक समझिए, आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह का कोऑर्डिनेट जो अभी मैं पढ़ा चुके हैं आप लोगों को सॉलिड ज्योमेट्रिक में, ठीक है। कोई भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे वो ऑलरेडी हम मैथ में बता चुके हैं, अगर वो सब वीडियो देख लिए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहां से देखिए डी आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे आर वेक्टर था तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया, आप इसी तरह से डी आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिक चीज था। तो वर्कडन यहां से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे बताएं क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर, ठीक है, और लिमिट लेंगे एक्स वन से एक्स टू जहां तक आपका जो डिस्प्लेसमेंट करेगा बॉडी, आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 1.2 to 3.4, ठीक है, 2D में लाइक कर रहा है इसलिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अगर 3D में लाइक करेगा तो वहां से क्या हो जाएगा, आपको इस तरह का भी दे सकता है, अगर 3D में रहेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आई कैप 2y j कैप, हो सकता है कि आपको प्लस में जेड के कैप भी मिल जाए, ठीक है। तो उसमें अगर जेड यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट देगा आपको, ठीक है, इस तरह से दे देगा 1.2.3 से जा रहा है कहाँ तक, जा रहा है 5.4.6, इस तरह से दे देगा। तो यहाँ से बस तीनों लेके लिमिट लेकर के सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले इसको समझिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्कडन बराबर इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, पहले अभी एफ इंटू डी आर कर रहे हैं तो ले लेते हैं लिमिट आर वन से आर टू जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ का मान, यहाँ पे एफ का मान देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस टू वाई जे कैप इंटू डी आर, डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, वेक्टर जब चर्चा किए हैं तो वहां आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इंटू आई तो वन होता है, ठीक है, क्लियर आवाज आ रहा है, आई इंटू आई क्या होगा तो वन हो जाएगा, और जे इंटू जे क्या हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ से एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, आप इसको चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इधर लगा दीजिए, टी वा टू वाई और इंटू कितना हो जाएगा डी वाई, ठीक है, तो टू वाई इंटू डी वाई, और यहाँ पे देख रहे हैं कि के का कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ से क्या हो सकता है, जीरो के ले सकते हैं प्लस जीरो इंटू के, तो यहाँ से डी जेड इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप इंटीग्रेशन चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन टू वाई इंटू डी वाई, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद लिमिट पुट कर दीजिए, क्या करेंगे, एक्स वन वाई वन, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जो कि पोजिशन वन है बॉडी का, और ये पोजिशन टू है जो कि फाइनल पोजिशन है एक्स टू कोमा वाई टू, ठीक है। तो एक्स वन से एक्स टू देख रहे हैं कि वन से थ्री, तो एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा, वन से थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई का लिमिट क्या होगा, टू से फोर, तो वाई का लिमिट टू से फोर, तो टू से फोर टू वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू बटे थ्री, इसका लिमिट पुट कर दीजिएगा वन से थ्री प्लस टू को कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, टू इंटू वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे टू, और दो से चार, दो से चार कर दीजिए। आप यहाँ से तीन पुट कीजिएगा तो तीन चार होती है 27/3, वन पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1/3, आप टू यहाँ पे है तो ये टू कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, टू टू कर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से चार रखिएगा 4×16 -2×4, ठीक है, तो यहाँ से कीजिएगा 26/3, इसको सॉल्व करने के बाद इसको यहाँ से 16 में से चार गया 12, तो यहाँ से जोड़ के एड करके कितना आ जाएगा 62.3 जूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है BCCLE 2020 में पूछा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग समझ के जाइएगा, और इस पे चाहे तो और क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहिए तो थ्री कंपोनेंट वाला कर लीजिएगा, यानी उसमें एक्स वाई जेड रहेगा, यानी स्पेस में अगर कोई लाइक करेगा तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग तरह के भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे वर्कडन, जैसे कि वर्कडन निकालना है, अगर तीन कोऑर्डिनेट दिया है तो तीनों को ले लीजिए, वर्कडन इन एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, वर्कडन इन जेड एक्सिस के अलोंग, सबका अलग अलग क्या कीजिए,
लिमिट पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स था तो एफ एक्स को लेंगे एक्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस का है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या लेंगे डीएक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, और लिमिट पुट कर देंगे एक्स का डायरेक्ट कहाँ से वन से थ्री, तो वन से थ्री प्लस यहाँ से क्या करेंगे इंटीग्रेशन वाई वन से वाई टू जा रहा है तो यहाँ से टू से फोर, और इंटू एफ वाई कितना है यहाँ पे टू वाई है, ठीक है, तो टू वाई इंटू डी वाई लिख देंगे, और जेड का कंपोनेंट नहीं है तो जेड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझने में थोड़ा बहुत भी कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जरूर जो है कमेंट में लिखिए कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द जो है सॉल्व कर दें, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप लोग जो है जरूर से जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में टेक केयर, बाय बाय।